मॉर्निंग गाइस, सुबह सुबह ब्लॉग बनते हुए और हम निकल चुके हैं मॉर्निंग में कॉलेज के लिए। सुबह सुबह बहुत प्यारा मौसम रहता है और सुबह सुबह ड्राइव करने का, एक छोटी सी राइड लेने का अलग ही मज़ा आता है। इसी बहाने राइड भी जाती है और कॉलेज भी पहुँच जाते हैं, पता भी नहीं चलता, घर के बड़ा पास है कॉलेज। और थोड़ा चाय पीने का मन कर रहा है इस टाइम पे, तो जान से मैं भी बात कर रहा था कि यार कहीं चाय पीते हैं यार, कि एक्चुअली सुबह सुबह मेरी मम्मी कहीं गई है तो मैं चाय नहीं पी पाया, मेरे को थोड़ी चाय पीने की आदत है और थोड़ी भूख सी भी लग रही है। सोचा कि यार एक पराठा भी खा लेते हैं जब चाय पियेंगे, पीली चाय पी नहीं जाती है, प्रॉब्लम ये है। तो गाइस अभी टाइम भी कॉलेज हमारा लेक्चर स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है, तो अभी कहीं चाय वाय पीते हैं पहले, भूख लग रही है, थोड़ा पेट पूजा करते हैं फिर काम दूजा करते हैं। चलिए गाइस फिर मिलते हैं आपको। हेलो गाइस, हम दोनों सुशांत और मैं दोनों कॉलेज से निकल चुके हैं। अभी आज का दिन काफ़ी अच्छा था कॉलेज का, नॉर्मली डेज से क्लासेस चल रही थी, कल रिजल्ट आया तो सब टीचर्स आके डिस्कशन कर रहे थे रिजल्ट पे। अच्छी बात ये है हमारे ग्रुप में सब अच्छे नंबर से पास हुए हैं और अब क्लास सब ओवर हो चुकी है, लंच चल रहा है। मेरे को थोड़ा घर पे थोड़ा ज़रूरी काम था, शान से मैंने बोला कि भाई घर चल रहे हैं, तो मैं और शान निकल चुके हैं। हो सकता है शान वापस कॉलेज आए क्योंकि उसकी क्लास है, मेरी क्लास सारी ख़त्म हो चुकी है। रास्ते में आगे भूख भी लग रही थी काफ़ी, तो लंच भी मेरा किसी और ने लिख दिया था, तो शान को भी बिरयानी खा लेते थे। तो सब घर चल रहे हैं और थोड़ा घर पे काम है, मुझे वो काम भी खत्म करते हैं और अभी शान ड्राइविंग कर रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे। हम पहुंच चुके हैं सर, काइंड ऑफ अभी ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, रेड लाइट हो रखी है यहाँ पे, रेड सिग्नल हो रखा है। मुश्किल से 2 मिनट की दूरी पे है घर, ये साकेत चौपला है मेरठ का, ये वाला हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे ना सारे ट्रैफिक रूल्स काफ़ी अच्छी तरीके से फॉलो हो रहे हैं, तो काफ़ी मतलब लाइक यहाँ पे 120 सेकेंड का, इधर 180 सेकेंड का हमको यहाँ पे ट्रैफिक मिल ही जाता है मैक्सिमम टाइम जब हम निकलते हैं कॉलेज से या कॉलेज से आते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कभी ट्रैफिक में ना मिले। एक धूप बहुत तेज हो रही है, अभी रास्ते में शांत होना बात कर रहे थे कि कुछ ना ठंडा पीने का मन कर रहा है, सो कुछ देखते हैं कुछ ठंडा मिलता है रास्ते में, मैंगो शेक या इधर कुछ जूस या कुछ आइसक्रीम, देखते हैं कुछ रास्ते में ठंडा मिलता है। गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा कॉलेज में बैठे बैठे भी, और गर्मी में रास्ता कवर करने में बहुत गर्मी लग जाती है और कुछ गला सूख जाता है पूरा। शांत और मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। सो गाइस कुछ देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ मिलता है तो कुछ पीते पीते हैं फिर आपसे आगे ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइस बाय। तो गाइस यहाँ पे अब मतलब इतनी गर्मी हो रही है तो सोचा कि मैंगो जूस पी लेते हैं, कुछ गर्मी से राहत मिल जाए। एक तो गर्मी के चक्कर में गला भी बैठ जाता है, थोड़ा सूख सा जाता है, पानी से नहीं रहता है गले में तो। और यहाँ पे हमारा न्यू ब्लॉग, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 करीब, और मतलब मुझे कॉलेज में निकलना है, बट उससे पहले कुछ करनी है पेट पूजा, तो चलते हैं पेट पूजा करने छोले भटूरे खाने के लिए। तो फिर धूप तो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है धूप यार, बहुत ज़्यादा। सो गाइज मैं आ चुका हूँ खा के, और मतलब इतनी ज़्यादा धूप थी यार कि क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम बहुत गंदी लेवल की धूप थी यार, मतलब अब से डर करने लगा। चलिए थोड़ी देर रेस्ट करके मिलते हैं आपसे। शाम हो चुकी है और हम लोग निकल चुके हैं कुछ ऐसे ही टहलने के लिए, और देखते हैं कुछ खाने पीने को मिल जाएगा तो खाना पीना खा लेंगे,
और उसके बाद फिर वापस आना है, कुछ सामान वगैरह ढंग का मिल गया तो वो भी ले लेंगे। तो चलते हैं फिर, देखते हैं क्या क्या मिलता है। और खाने के लिए स्पेशली यहाँ आजू बाजू अभी कुछ पता नहीं है, तो पता भी चल जाएगा कि क्या क्या मिलता है। तो ठीक है, आगे देखते हैं। गाइज अभी हम पार्क में बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम अंधेरा है, मुझे आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे होंगे। और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं बर्गर खाने के बाद, और दिखाता हूँ मैं। तो गाइज ये है आपका पार्क, देख सकते हैं, और ये कुछ ऐसा पार्क है, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब सोच रहे हैं घर चलें, क्योंकि कीड़े वगैरह काफ़ी आ रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो निकलते ही हैं, तो घर की ओर निकल रहे हैं। पार्क में अभी भी कुछ लोग जॉग वगैरह कर रहे हैं, तो ठीक है। आम वगैरह लो देख रहा छे डिफरेंस। तो गाइस यहाँ पे मैं पार्क में आया था, पार्क के जस्ट बगल में गोलगप्पे का मतलब एक वो है स्टॉल कहे, या तो कहे एक तो छोटी सी दुकान जहाँ पे 5 फ्लेवर वाले गोलगप्पे मिलते हैं। तो चलो गोलगप्पे खाते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो हे गाइस, अभी मैं आया था घूमने के लिए गंगानगर अपने कॉलेज के साइड, क्योंकि घर पे बोर हो रहा था और शाम का टाइम था, सोचा थोड़ा घूम फिर लूँ। बाकी तो अब एग्जाम आने वाले हैं, तो घूमना फिरना बंद ही हो जाएगा। तो अभी आया था, कुछ देर बैठे यहाँ पे, मज़े किए, गोलगप्पे वोलगप्पे खाए, और फिर अब निकल रहे हैं घर के लिए। और बाकी घर जाके अब देखते हैं क्या करना है। वैसे भी एक तो मेरठ की गर्मी से मेरा हालत खराब है यार, मन करता है हिमालय में ही घर ले लूँ, इतनी गर्मी क्यों रहती है यहाँ पे। तो चलो अभी हमारा क्रॉसिंग ड्राइव कर रहा है, सुबह से मैं ड्राइव कर रहा था, और अब चलते हैं। फाइनली निकल चुके हैं, क्रॉसिंग उधर है और मोटा इधर है। आज हमारा लक देखो, आज लाइट हमें ग्रीन मिल चुकी है। पहली बार मैं तो ऐसे मिलती ही नहीं थी, पहली बार ग्रीन लाइट मिली है ये वाली। अब वो भी टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी निकाल लो। यहाँ पे कौशिक निकल चुका है और हम अपने रास्ते को निकल चुके हैं। आज का दिन भी हमारा कुछ बहुत खास नहीं, बट मेरा था। तो अब बस इंतजार है सेमेस्टर एग्जाम का खत्म हो, फिर चलेंगे घूमने। फिर वहाँ पे इतनी धमाकेदार ब्लॉगिंग होगी, कोई उसका हिसाब ही नहीं होगा। तो चलो मोटे को भी ड्राइविंग करने देते हैं, नहीं तो मोटा पीछे उतार के भाग जाएगा। तो गाइस यहाँ पे मोटा आया है अपने स्कूटी की टंकी फुल कराने के लिए, और ये जब भी आता है साला टंकी फुल कराता है, हमारे तरह नहीं कि 100-150 के भरवाएगा। तो चलो मोटे को भरवाने देते हैं और हम बैठते हैं। इनका
इनका देखो, ये देखो, ये देखो कैसे खेलने के लिए तैयार है ये। ओए नहीं, गंदी बात, गंदी बात नहीं, चलो आजा। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपने देखा कि भाई तो सुबह सुबह खा लिया छोले भटूरे, फिर उसके बाद शाम को गया था बर्गर खाने के लिए, शाम को मैं भी गया था गोलगप्पे खाने के लिए, और फिर ऐसे ही दोनों के दिन बीते। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि शेयर करने से प्यार बढ़ता है, तो कर दिया करो। तो बस मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, मैं भाई के कंटेंट और मेरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।